हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राज्यों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया है। सो हमारा इस टॉपिक है कि स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करें। और आपको पता है कि मैं जब मिरेकल मनी की प्रार्थना करता हूँ, और एक वरदान है मिरेकल मनी का, और मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो बहुत से लोगों के जीवनों में मिरेकल मनी होती है, जो लोग विश्वास करते हैं। और गवाहियाँ मेरे चैनल में देख सकते हो, बहुत गवाहियाँ हैं, और कुछ हमने अंदर ही वीडियो के लाइव वीडियो के अंदर दिखाते हैं। और परमेश्वर करता है, प्रभु ने वरदान दिया है, लेकिन यह है संसारिक धन। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वर्गीय धन इकट्ठा करना चाहिए, और वो आत्मिकता में वो बात अलग हुई है, लेकिन संसारिक धन भी हमें चाहिए। क्योंकि संसारिक धन हमारे पास नहीं है तो हम खाएंगे कि क्या और हम क्या करेंगे। जिस तरह बाइबल कहती है कि किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन परमेश्वर अगर पक्षियों को खिलाना जानता तो आपको भी खिलाना जानता है। वो बात सही है, लेकिन अब कई बार ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि धन बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपको भी पता है, को कहते हैं कार नहीं चाहिए जी, साइकिल पे सेव कहीं करो। अब इतनी दूर दूर जाना, क्योंकि बाइबल में कहते हैं कि प्राकृतिक, अब जैसे कि बुखार है, बुखार मैंने ठंडे पानी से नहा लिया, बर्फ वाले पानी से, और मैंने फिर उसको ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, बार मुझे बुखार है तो मैं ठंडे पानी से नहा, ये प्राकृतिक है, मुझे बुखार होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम मिरेकल मनी हमारे जीवन में होती है तो उत्तम है वो, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से आशीष दी है, वो चमत्कारी पैसा है वो। हालेलुया, जो परमेश्वर का आप लोग चुने हुए हो तो ही आपके जीवन में रकल मनी हुई है। और बात आती है स्वर्गीय धन की, स्वर्गीय धन भी हमें चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप संसारिक धन के पीछे पड़ो, नहीं, आप प्रभु के पीछे चलो, संसारिक धन आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। लेकिन अगर जब वह मिलता है, वचन कहता मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और लोग मांगते हैं प्रभु जी घर दो, रहने के लिए छत दो, और बाइक दो, कार दो, स्कूटर दो, स्कूटी दो, और अच्छा घर दो, अच्छी बीवी दो, अच्छा पति दो, मांगते हैं लोग, मांगने वाले को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आज कि स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करें। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 6:19 और लुका 12:33-34 में लिखा हुआ, लेकिन हम पढ़ेंगे मत्ती 6:19 में लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर छेद लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं, ना जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहता है। हालेलुया, यहाँ पे लिखा कि जहाँ तेरा धन है। अब मान लो मैं आपको एक बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप समझे, मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊँगा, उनको फॉलो करें। क्या हुआ कि हमारे कोई था और वो गरीब था बहुत ज़्यादा, और चर्च का मेम्बर था कोई, तो उन्होंने क्या किया कि प्रार्थना करवाई कि हमारी ज़मीन बिक जाए। उन्होंने जैसी ज़मीन बेची, वो काफ़ी लाखों में बिकी ज़मीन वो। अब लाखों में बिकने के बाद और वचन क्या कहता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। एक संडे तो आए चर्च में और वही अपना 500 रुपये लेकर आए, अपने भेंट चढ़ाई, करोड़ों में ज़मीन गई, लाखों में ज़मीन गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका मन कहाँ पर लग गया, उनका मन कहाँ जा रहा है, चलो जैसे करते हैं कार ले लेते हैं, चलो ऐसे करते हैं चलो शॉपिंग करके आते हैं, चलो ऐसे करो सैंडल लेके आते हैं, चलो ऐसे करते हैं आज स्कूटी लेके आते हैं, मतलब उन्होंने अपना सारा धन ऐसे व्यर्थ में उड़ाते रहे, सब रहा धन, और उनका मन भी धन में लगा, सोचते थे मैं ऐसे कंगन बनवाऊंगी, मैं ऐसे अंगूठी बनवाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, वो सोचती रही। लेकिन क्या हुआ, अगर उनका वो धन बचा कर रखते और प्रभु के काम में लगाते, प्रभु की सेवा में लगाते, अपने घर बार में लगाते, जहां लगाना था वहां लगाते, लेकिन अपना धन का लालच उन्होंने किया, वो गलत है। और अब क्या हुआ, जब धन खत्म हो गया तब इनके पास क्या बचा, झुंझुना, कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसा लोग जो धन का लालच करते हैं वो गलत है, मांगना गलत नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते हैं प्रभु संतान दो, प्रभु धन दो, प्रभु नौकरी दो, लोन पास कराओ, कर्जा दूर होने पाए, बंधन छुटकारा दो, हम मांगते हैं, परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया, लेकिन
मैं आपको आज कुछ पॉइंट बताऊंगा, और क्योंकि आपको पता है कि सुबह की प्रार्थना है, मैं हमेशा शॉर्ट में करता हूँ, इसलिए मैं वचनों में नहीं जाऊँगा। मैं आपको सीधा बताऊंगा कि स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आपको 12 तरीके बताऊंगा, 12 तरीके, और उनमें से पहला तरीका है धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा। स्वर्ग में अगर धन इकट्ठा करना है तो परमेश्वर का धन्यवाद की प्रार्थना करें। प्रार्थना नहीं कह रहा मैं, धन्यवाद की प्रार्थना। आप जितनी देर भी प्रार्थना करते हो उनमें से कुछ घंटे आप सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना करें कि प्रभु जी आपका धन्यवाद आज का दिन के लिए, प्रभु आपका धन्यवाद मेरे बच्चों को सलामत रखने के लिए, प्रभु आपका धन्यवाद उस दिन मेरे से इतना बड़ा हादसा होने वाला था, आपने मुझे सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना करें। जब आप धन्यवाद दोगे, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, उसको अच्छा सोचते हो, तो वो भी आपको इज्जत देगा आगे से। और अगर आप उसको धन्यवाद नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करेगा वो। इसलिए क्या लिखा हुआ है, आप धन्यवाद दें। क्या दें? परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद की प्रार्थना करें, प्रभु का प्रभु जी आपको धन्यवाद 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 करें। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सारा दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें तो क्या होगा, आपका स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। प्रभु कहेंगे वाह, ये बच्चा मेरा धन्यवाद करता रहता है, इसके ऊपर इतना दुख है, इतना संकट है, तो भी धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। और दूसरी बात, आराधना करना ना भूले। अगर आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहते हैं, स्वर्गदूत हमेशा आराधना करते रहते हैं। अगर आप घर में हो, अगर आप चर्च में हो, चर्च में तो चलो हम मोटिवेट हो जाते हैं और लोगों को देखकर वो कैसे पवित्र आत्मा भर रहे हैं और एक्सपर्ट जैसा भी है, लेकिन हम क्या करते हैं जब अपने घर पे होते हैं तब भी आराधना करें। एक सॉन्ग चलाएं कोई बढ़िया सा, ये नहीं है कि माँ भरने की ये पानी और मरियम के ऐसा सा ऐसा सॉन्ग नहीं, अभिषेक वाले सॉन्ग, पवित्रता के सॉन्ग, जिसकी पावित्र अति पावित्र स्थान में ले चल प्रभु, और ऐसे आत्मिक वाले सॉन्ग गाएं, तो उस पर बैठ कर आराधना करें परमेश्वर की, तो क्या हो जाएगा, आपका धन इकट्ठा होगा स्वर्ग में। हालेलुया। और तीसरी बात, उपवास करें। बहुत से ऐसे लोग जो उपवास नहीं करते हैं, आप उपवास करना सीखें ताकि आप अपना धन इकट्ठा करने पाए स्वर्ग के अंदर। प्रभु कहेंगे हाँ ये बेटे अच्छा है, इसने क्या किया है स्वर्ग में धन इकट्ठा किया है। उपवास करें, उपवास के द्वारा बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। और कई मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि ओहो आ तो सारा दिन ही निकल गया, इससे अच्छा मैं उपवास ही रख लेता। वो बेचारे काम पे गए, खाली पेट गए और वहाँ पर बच गए 5, घर आके घर सुबह से खाना भी नहीं खाया, इससे अच्छा व्रत ही रख लेता। इसको उपवास नहीं गिनते। उपवास एक श्रद्धा होती उपवास की, जैसे कि अब मैं हर संडे उपवास रखता हूँ, और मैंने आपको बोला था मेरे 90 फास्ट चल रहे हैं और उनमें से मैं काफ़ी पूरे कर चुका हूँ, 30+ 30 से ज़्यादा कर चुका हूँ। और क्या कि हम जो उपवास करते हैं उसमें एक टारगेट रखें, जिस तरह अगर आप कार लेने जाते हो तो आप एक दिन पहले सोचते हो उस पर ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। शादी करने जाते हो तो उससे पहले सोचते हो मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, ऐसा थीम तैयार करते हो। लड़की को देखने वाले आ रहे हैं तो एक थीम तैयार करते हैं, ऐसा 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 करेंगे ऐसा करेंगे। जब आप उपवास रखते हो किसी भी काम के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए, या नौकरी के लिए, कहीं भी, वो एक थीम तैयार करो। ये नहीं सुबह उठे ब्रश किया और चलो जी कस्सी रखी कंधे पर चले गए काम पे, ऐसा नहीं। एक थीम तैयार करें कि प्रभु मैं आज उपवास रख रहा हूँ इस काम के लिए, उस बात को अंदर आत्मिकता में रखें। और बाद में काम पे भी जाएं, जाना है तो अपने वैसे तो उस दिन काम पे ना जाएं और उपवास में प्रार्थना करें, लेकिन कहीं कभी होता है कि वो काम पे जरूरी हो तो उनको जाना, वो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि उपवास करें और आत्मिकता में रहें, वो उस बात को ये बोलें कि प्रभु के नाम से ये पूरा होने पाए, ये जो मेरा कार्य है या मुझे संतान नहीं हो रही, ये मेरा टॉपिक है प्रभु, वो उस टॉपिक पे चले आप, तो ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आगे चौथी बात, प्रभु की बंदगी में जाना। बहुत से लोग हैं जो संडे की आराधना मिस करते हैं। अगर आप संडे की आराधना मिस करते हो, परमेश्वर आपको मिस कर देंगे। अगर आप प्रभु के भवन में जाना मिस करते हो, प्रभु आपको मिस कर देंगे। इसलिए कभी भी बाइबल कहती है, आप यशायाह में पढ़ सकती हो कि परमेश्वर ने जो दिन ठहराया उसमें आराधना करें। हालेलुया। और अगर आप बाइबल में पढ़ते हो, वहां पर भी लिखा हुआ है परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम का दिन ठहराया। वो बात अलग, पहले शनिवार था, हम संडे का आराधना करते हैं। हालेलुया। इसलिए चर्च जाया करें। आगे और 1, 2, 3, 4 और 5वां है, परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट और मन्नत मानना। बहुत से ऐसे लोग जो भेंट नहीं निकालते हैं,
वही 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये। आप क्या करें, परमेश्वर के आगे उत्तम भेंट निकालना शुरू करें प्रभु के आगे। अगर आपको स्वर्गीय धन चाहिए तो हम अमरूद का पौधा लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रभु जी इतने इस पे बादाम लगे ना, इतने बादाम लगे कि उन बादामों को बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊं। आप पौधा अमरूद का लगा रहे हो, आप 10 रुपये भेंट चढ़ा रहे हो और चारों के में करोड़ों की आशीष मिले, गलत है। हाँ, जिसके पास, मेरे पास जो गवाही आती है, मैंने तो मिरेकलमैन की प्रार्थना की, वो कह रही कि मेरे बेटी को 20 रुपये मिले, मेरे पति को 5,000 रुपये मिले और उसको 500, मतलब सबको मिले पैसे वो, लेकिन बात 20 रुपये की नहीं है। वो एक बार ही मेरी जो जब मैंने मिरेकलमैन की प्रार्थना करने लगा था तो मेरे तकरीबन 6 महीने बाद एक ऐसे गवाही थी, वो कह रहे थे कि मेरे पर्स में से पता नहीं 20 का पता नहीं 5 कैसा मिला, उनके पास 5 रुपये भी नहीं थे। अगर वो अपने 5 रुपये भेंट में डालते तो 5 लाख से बढ़कर है वो, मैं बात नहीं कर रहा। जिनके पास 1,000 रुपये होता है परसों में और क्या दिखाते हैं, चलो जी 10 रुपये का, वो भी टेप लगा हुआ नोट चढ़ा देते हैं प्रभु को, तो ये भी गलत है। अगर आप स्वर्गीय धन, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो उत्तम भेंट चढ़ाए परमेश्वर को। हालेलुया। 6 नंबर 6 लिखा कि परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक आए। हम परमेश्वर के ज्यादा नजदीक नहीं आते हैं, हम कहते हैं नहीं यहाँ इतना ही बहुत है, नहीं इतना ही बहुत है, नहीं। बपतिस्मा लिया, उसके बाद आराधना में झूमे, वचनों में झूमे, उपवास में झूमे, प्रार्थना में झूमे, फिर आत्मिकता में चले जाएं प्रभु की। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर ज्यादा नजदीक आए। हालेलुया, स्तुति महिमा, हालेलुया, स्तुति महिमा करते हैं। कोई घर में क्लेश हो रहा है, संकट आ रहा है, दुख आ रहा है, मुसीबत आ रहा है, चलने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रभु मेरे संग है। हालेलुया। परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक आए, हमें आज नजदीक आने की जरूरत है। हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती, हमें छुटकारा क्यों नहीं मिलता कई लोगों को, क्योंकि प्रभु को नजदीक नहीं आना चाहते। वो भवन में जाते हैं, प्रार्थना सुनते घर आते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। और नंबर 6 है कि परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक आए, तो परमेश्वर आपके स्वर्ग में आपका धन इकट्ठा हो रहा है। नंबर 7, अपने घर में पास्टर जी को बुलाकर बंदगी करवाएं, ये सबसे जरूरी बात है। उससे आपका घर शुद्ध होता है, उससे आपके बच्चे पवित्र होते हैं, उससे आपके घर की दीवारें ब्लेस्ड होती हैं, आपका घर ब्लेस होता है, आपका घर का धन ब्लेस होता है, आपके घर के साधन ब्लेस होते हैं, हर एक दुर्घटना दूर होती हैं, क्योंकि और इज्जत मान करते हैं जो परमेश्वर का, वो और ज्यादा फलवंत होते हैं। कई जगह पास्टर जाते हैं, उनका इज्जत मान ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अब्राहम ने दर्शन देखा था, लेकिन तो दर्शन में दौड़ दौड़ को उनके लिए खाना बना रहा है, दौड़ दौड़ को उनके लिए पकवान बना रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, लेकिन क्या मिला उसको, जो उसके पास नहीं था उसका वो मिला। हम घर में बंदगी भी रखवा लेते हैं, और कहीं का मुँह उत्तर की ओर, कहीं का मुँह पूर्व की ओर, कहीं का पश्चिम की ओर, हर जगह अलग अलग परिवार का मुँह खिंडा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने घर में अगर अपने पास्टर को बुला लिया है तो आप ब्लेस होने पाए प्रभु के नाम से। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है चर्च में सेवा कार्य करवाएं। नंबर 8 है, बहुत से ऐसे लोग जो चर्च में सेवा कार्य नहीं करते हैं। मैं संडे को सुबह 6:30 उठता हूँ और उठते ही ब्रश किया और चाय पी और फिर ऊपर गए, चर्च का स्टेज साफ किया, फिर झाड़ू लगा ली और जो गैलरी होती है वहाँ पर पोछा लगा दिया। कई बार चर्च की सीढ़ियों पर पोछा लगा दी, तो अपने स्टूडेंट वो पोछा लगाते हैं, और मैं जगह धोता हूँ एक दिन पहले, बाथरूम में कई बार पानी मार देते हैं, और मतलब कि पूरा तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि चर्च में सेवा के लिए, क्योंकि मेरा स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। और पहले तो मैं बर्तन भी धोता था चर्च के, जितने लोग खाना खा के चले आते थे, और आजकल तो चलो स्टाफ बड़ा हो गया है और इसलिए हम क्या करते हैं, वो बेचारे धो देते हैं, नहीं तो मैं बर्तन भी धोया करता था। मैं तब भी धो दूँ बर्तन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जो अंदर का है वो परमेश्वर मैं जानते हैं, परमेश्वर मेरा कितना प्यार है। लेकिन क्या कि चर्च में सेवा कार्य करवाना ना भूलें, इससे भी आप अपना स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हो। नंबर 9, थोड़ा जल्दी चलेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। लिखा हुआ है जो लोग नाश हो रहे हैं उनको गवाही देना और उनको प्रचार करना। जो लोग नाश हो रहे हैं ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि प्रभु इसीलिए आए थे कि कोई लोग नाश न होने पाए। प्रभु ने अपना जान दी ताकि कोई लोग नाश न होने पाए, हमारे पापों की खातिर परमेश्वर क्रूस पर टांगे गए। ये सबसे जरूरी बात है कि जो लोग नाश हो रहे हैं
उनको गवाही दें और प्रचार करें और उनकी जान को बचाएं और उसके बारे में सुसमाचार प्रचार करें। हर एक जो दुखी परेशान है उसका जीवन में अद्भुत कार्य करें और वह आशीष तो होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि जो लोग नाश हो रहे हैं उनको वचन बताएं, अपने परिवार में वचन बताएं। हम कहते हैं कि वो तो सुनता ही नहीं है, लेकिन पत्थर कब तक नहीं टूटेगा? जब तक चोट लगती रहेगी एक ना एक दिन में जरूर टूटेगा। हालेलुया। नंबर 10 लिखा हुआ है कि जो लोग प्रभु को मानते मानते पीछे हो गए हैं, कुछ लोग उनको छोड़ देते हैं, चलो जान दो, दफन दो, हमने के लेने देना था, हमारे पास और कलीसिया नहीं। हमारे चर्च के मेंबर कोई अगर जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है, हमें चिंता हो जाती है। हम उनको नहीं बताते लेकिन हमें पता लगता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन हम फिर कुछ टाइम तक देखते हैं, नहीं तो कुछ टाइम के बाद उनके घर हम किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं। ऐसे ही अगर आप भी अपनी आपकी कलीसिया है तो अगर वो पीछे हट गया परमेश्वर से, या आपके आपके परिवार के लोग पीछे हट गया परमेश्वर से, उनको सुसमाचार सुनाएं, उनको बोलें। क्योंकि जिस तरह उड़ाव पुत्र ने सब कुछ अपने पिता से लेकर चला गया था और सब कुछ अपने उड़ा दिया धन संपत्ति को, लेकिन जब वो वापिस लौटा तो उसके पिता ने उसको गले लगाया, उसके पिता ने उससे ये नहीं कहा तू है कौन, निकल, नहीं, प्रभु हमसे प्यार करते हैं, प्रभु में गले लगाएंगे। हालेलुया। इसलिए इस बात को याद रखें क्योंकि प्रभु महान है। हालेलुया। और 11 नंबर, प्रभु को अपना समय देना। ये बहुत लोग कम देते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे हमेशा वो भाई की शक्ल याद आती है, मुझे कहता हूँ मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, मैंने बोला प्रभु के नाम से तू ब्लेस हो, चल ले जा काम। उसका जो काम मिला वो चर्चा ने बंद हो गया। भाई चर्चा ने क्यों बंद हो गया? कि भैया काम बहुत है। अब बताओ प्रभु ने समय दिया, वो प्रभु के लिए समय नहीं है। कुछ लोग ठेकेदार बन जाते हैं, कुछ लोग मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग मार्बल काम करते हैं, हर तरह काम करते हैं, लेकिन जिसने समय दिया उसके लिए समय नहीं है। और वो क्या कहते हैं, हम तो घर में प्रार्थना कर लेते हैं, बहुत है, नहीं गलत है। घर में प्रार्थना करना, घर में दवाई लेना और हॉस्पिटल से इलाज करवाने में जमीन आसमान का अंतर है। घर में प्रार्थना करना वो एक अलग बात है, बाइबल कहते हैं घर में प्रार्थना करो, लेकिन जो परमेश्वर ने दीन ठहरा रखा है, जहाँ पे बैठ के हजार लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हजार लोगों की प्रार्थना सुनी जा रही है, उनमें से आप अपने घर पे बैठ के अकेले प्रार्थना कर रहे हो तो हजार और एक में जमीन आसमान का अंतर है। बात अलग है, प्रभु का घर में बैठ के अपन प्रार्थना कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर दिन ठहराया है उस दिन नहीं, आप भवन में जाएं ताकि आप आशीष को पाएं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। नंबर 12 लास्ट लिखा कि मन में विचार करना प्रभु के अच्छे कामों के लिए। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है और वचन भी कहता है कि परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों का याद रखें। हम भूल जाते हैं, प्रभु कष्ट आ गया, प्रभु संकट आ गया, प्रभु विपत्ति आ गई, ये आ गएगा, प्रभु ने इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, उसको कौन याद रखेगा, वो हम भूल जाते हैं। अगर आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहते हो तो इन बातों को नोटिस करें। ये 12 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर टॉपिक पे और मैं वचनों के साथ पूरा आपको बताऊं, एक एक वचन आपको बताऊं हर पॉइंट का। और लेकिन आपको पता सुबह की प्रार्थना में मैं ज़्यादा लंबी नहीं लेके जा सकता क्योंकि लोग सुनते नहीं, इसलिए। और इस बात को समझे कि इन बातों से आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे हजारों बातें हैं लेकिन जो मैंने बोली हैं वो एक अलग बातें हैं कि इन बातों के द्वारा आप इन वचनों को समझें अच्छी तरह से ताकि आप मोटिवेट हो सकें और आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकें। आप ये नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हो गुल्लू के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मुल्लू के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये नहीं, बल्कि आप प्रार्थनाओं को बांटें अलग अलग तरह से। खाना खाते हो ना आप, कई बार ये को मैं बताता हूँ, कुछ लोग रोटी की घी लगाते हैं, कुछ लोग दो सब्जियाँ खाते हैं, कुछ लोग सलाद भी खाते हैं रोटी के साथ, और सलाद में भी कई प्रकार खाते हैं, कोई मूली खाता है, प्याज खाता है, टमाटर खाता है, खीरा खाता है, और भी बहुत सारे हैं प्रोडक्ट, और बहुत सारे चीज़ें खाते हैं लोग, ठीक है। हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जब वारी आती है मसीह जीवन में तो हम क्यों सादा जीवन जीते हैं, बस हालेलुया, ऐसा नहीं। जिस तरह आप स्वाद खा के खाना खाते हो ऐसा प्रभु के वचनों को स्वाद के साथ खाएं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, स्वर्गीय आशीष को पाएं, धन्यवाद धन्यवाद दें से, और जैसे कि प्रार्थनाओं को बांट दें अलग अलग तरह से। आज मैं अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, अब समय है मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करने का, अब समय है धन्यवाद का, अब समय है बिजनेस के लिए प्रार्थना करने का, और हम 5 मिनट की प्रार्थना में सब कुछ बोल देते हैं, प्रभु बिजनेस बढ़े, प्रभु स्कूटी मिले, कार मिले, बंगला मिले, एक्स वाई जेड जो भी मांग लेते हैं। लेकिन
प्रभु को भी धन्यवाद चाहिए, क्योंकि प्रभु कह रहे कि मैं स्तुति के योग्य, मुझे स्तुति मिले, और आप उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, प्रभु को ब्लेस करें और अपने आँखों को बंद करें। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राज्यों का राजा प्रभु होंगे प्रभु मेरे पिता, आपने जो मुझे पॉइंट बताए मैंने इनसे शेयर किए हैं मेरे पिता, और इन वचनों को समझ सकें, इनके हृदय में वचन आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, ये लोग ब्लेस होने पाए, ये लोग आशीष होने पाए मेरे पिता, इन 12 कार्य के द्वारा इस स्वर्ग में धन इकट्ठा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, शैतान इन वचनों को चुराने न पाए मेरे पिता, जो लोग इन वचनों को समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं हाँ हम ऐसा करेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इन्हें ब्लेस करो, ये लोग आशीष होने पाए मेरे पिता, और जो मेरे चैनल पे इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, उसका जीवन में भी अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, वो ब्लेस होने पाए, वो आशीष होने पाए मेरे पिता, इसका जीवन में अद्भुत कार्य करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन। और निश्चय प्रभु आपको आशीष दे, और आपको बधाई हो क्योंकि चैनल के 21,000 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं, और ये सब आप लोगों ने किया है क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो नीचे रेड कलर का बटन था आपने उसको दबाया, चैनल को सब्सक्राइब किया और चैनल को शेयर किया, ये बड़ी बात है। और आज कहाँ 3 पॉइंट कुछ थे, और आज 21,000 लोगों को आपने जोड़ा है और प्रभु ने जोड़ा है, इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करें, आप आशीष दो, इसी तरह चैनल को शेयर करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते रहें।